हेलो दोस्तों, मैं हूँ अलका जैन और आज आप सुनेंगे रवीन्द्रनाथ टैगोर की कहानी उद्धार। गौरी पुराने धनाढ्य घराने की बड़े लाड़ प्यार में पली बड़ी सुंदर लड़की है। उसके पति पारस की हालात पहले से गिरी हुई थी, पर अब अपनी कमाई के बूते पर उसने कुछ उन्नति की है। जब तक वह गरीब था तब तक उसके सास ससुर ने इस ख्याल से कि लड़की तकलीफ पाएगी बहू की विदाई नहीं की। गौरी कुछ ज़्यादा उम्र में ससुराल आई, शायद इन्हीं कारणों से पारस अपनी सुंदर युवती स्त्री को संपूर्णतः अपने हाथ की चीज नहीं समझता था और मिजाज में वहम तो उसकी बीमारी बनकर समा गया था। पारस बचा के एक छोटे से शहर में वकालत करता है। घर में अपने कुटुंब का कोई ना था। अकेली स्त्री के लिए उसका चित सदा उद्विग्न बना रहता और बीच बीच में वह अचानक ऐसे में अदालत से घर चला आता। शुरू शुरू में पति के इस तरह के आकस्मिक आगमन का कारण गौरी की कुछ समझ में ना आया, बाद में वह क्या समझी सो वही जाने। बीच बीच में वह बिना कारण घर का नौकर भी छुड़ा देने लगा। किसी नौकर का ज़्यादा दिन तक बना रहना उसे बर्दाश्त नहीं होता था, खासकर काम की परेशानी का ख्याल करके। गौरी जिस नौकर को बाहर रखने के लिए आग्रह करती उसे तो वह फौरन ही निकाल बाहर करता। तेजस्वी गौरी को इससे जितनी चोट पहुँचती उसका पति उतना ही चंचल होकर कभी कभी ऐसा विचित्र व्यवहार कर बैठता जिसका ठिकाना नहीं था। अंत में जब वह अपने को संभाल ना सका और दासी को एकांत में बुलाकर उसने तरह तरह के वहम के सवाल करने लगा, तब सब बातें गौरी को भी मालूम होने लगी। अभिमानिनी स्व अल्पभाषिणी नारी अपमान की चोट खाकर सिंघनी की भांति भीतर ही भीतर उफड़ने लगी और इस उन्मत्त संदेह ने दंपत्ति के बीच पड़कर खंड प्रलय की तरह दोनों को बिल्कुल विच्छिन्न कर दिया। गौरी के आगे अपना संदेह प्रकट करने के बाद पारस की झिझक और शर्म बिल्कुल ही खत्म होती गई। अब वह रोजमर्रा कदम कदम पर साफ संदेह प्रकट करके स्त्री से लड़ने लगा और गौरी जितना भी गम खाकर मौन अवज्ञा और पैनी निगाहों के 30 तीरों के नीचे से ऊपर तक उसके सारे बदन में लहूलुहान करने लगी। उसके संदेह का पागलपन मानो बढ़ता चला गया। इस तरह दाम्पत्य सुख से वंचित उस पुत्रहीन तरुणी ने अपना संपूर्ण अंतःकरण धर्म की चर्चा में लगा दिया। हरिभजन सभा के नवीन प्रचारक ब्रह्मचारी परमानंद स्वामी को बुलाकर गौरी ने उनसे दीक्षा मंत्र लिया और भगवान की व्याख्या सुनने लगे। नारी हृदय का संपूर्ण व्यर्थ ने एकमात्र भक्ति के रूप में इकट्ठा होकर गुरुदेव के चरणों में लौटने लगा। परमानंद के साधु चरित्र के संबंध में किसी को कोई संदेह ना था, सभी उनकी पूजा करते थे, किंतु पारस उनके संबंध में मुंह खोलकर संदेह प्रकट न कर सकने के कारण अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसका संदेह अदीत फोड़े की तरह क्रमशः खुद उसी के मर्म स्थल को कुरेद कुरेद कर खाने लगा। एक दिन जरा सी किसी बात पर जहर बाहर निकल आया। स्त्री के सामने वह परमानंद को दुष्चरित्र पाखंडी कहकर गाली देने लगा और कहते कहते कह बैठा, तुम अपने शालग्राम को छोकर धर्म से बताओ, उस बगला भगत को तुम मन ही मन प्यार करती हो या नहीं। गौरी पांव तले दबी नागिन की तरह एक क्षण में उग्र रूप धारण करके झूठी स्पर्धा से पति को छेदते हुए रुंधे कंठ से फुफकारती हुई बोली, हाँ करती हूँ, तुम्हें जो करना हो कर लो। पारस उसी वक्त घर में ताला लगाकर स्त्री को ताले में बंद करके अदालत चला गया। ऐसा ही रोष से आकर गौरी ने किसी तरह दरवाजा खोल लिया और उसी वक्त वह घर से बाहर निकल गई। परमानंद अपनी एकांत कोठरी में बैठे शास्त्र पढ़ रहे थे, वहाँ कोई और ना था। सहसा गौरी अमेक वागिनी विद्युतलता की तरह ब्रह्मचारी के शास्त्राध्ययन के बीच जाकर कूद पड़ी। गुरु ने कहा, यह क्या? शिष्य ने कहा, गुरुदेव इस अपमान भरे संसार से उद्धार करके मुझे कहीं और ले चलो, अब मैं तुम्हारी सेवा में ही अपना जीवन न्योछावर करना चाहती हूँ। परमानंद ने बहुत डांट फटकार कर गौरी को वापस घर भेज दिया। किंतु हाय गुरुदेव का उस दिन तुम्हारा वह अकस्मात टूटा हुआ अध्ययन सूत्र क्या पहले जैसा जुड़ सका? पारस ने घर आकर दरवाजा खुला पाया। स्त्री से पूछा, कौन आया था यहाँ? स्त्री ने कहा, कोई नहीं आया था, मैं खुद गुरुदेव के घर गई थी। पारस का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और दूसरे ही क्षण लाल सुर्ख होकर बोला, क्यों गई थी?
गौरी ने कहा, मेरी तबीयत। उस दिन से घर पर पहरा बिठाकर स्त्री को कोठरी में बंद करके पारस ने ऐसा उपद्रव शुरू किया कि सारे शहर में बदनामी हो गई। इन सब कुत्सित अपमान और अत्याचार की खबर पाकर परमानंद का हरिभजन बिल्कुल ही जाता रहा। अंत में अवरोध की अवस्था में ही गौरी को एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, वत्स से मैंने काफ़ी विचार किया। पहले अनेक साध्वी साधक रमण्या कृष्ण प्रेम में अपना घर संसार सब कुछ त्याग चुकी हैं। यदि संसार के अत्याचारों से तुम्हारा चित्त हरि के चरण कमलों में विकसित हो गया हो तो मुझे खबर देना। भगवान की सहायता से उनकी सेविका का उद्धार करके मैं प्रभु के अभय पदारविंद में न्योछावर करने का प्रयास करूँगा। फाल्गुन शुक्ला त्रियोसी बुधवार के 2 बजे तुम चाहो तो अपने तालाब के किनारे मुझसे भेंट कर सकती हो। पति यह पत्र पढ़कर भीतर ही भीतर जल बुनकर खाक हुए जा रहे होंगे, यह सोचकर गौरी मन ही मन खुश हुई। किंतु साथ ही उसका सिरोभूषण पत्र पाखंडी के हाथ पढ़कर लांछित हो रहा होगा, यह बात उसे सहन नहीं हुई। वह तेजी से पति के कमरे में पहुंची। देखा, पति जमीन पर पड़ा हुआ बुरी तरह तड़प रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है और आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई हैं। पति के दाहिने हाथ की मुट्ठी में से उस पत्र को निकालकर गौरी ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर कहा, एपिलेप्सी मिर्गी है, रोगी तब तक मर चुका था। उस दिन पारस को किसी जरूरी मामले की पैरवी के लिए बाहर जाना था और सन्यासी का यहाँ तक पतन हुआ था कि समाचार को पाकर वे गौरी से मिलने को तैयार थे। सद्य विधवा गौरी ने खिड़की में से देखा कि उसके गुरुदेव पिछवाड़े के तालाब के किनारे तो चोर की तरह छिपे खड़े हैं। सहसा उस पर बिजली सी टूट पड़ी, उसने आंखें नीची कर ली। उसके गुरु कहां से कहां उतर आए हैं। सहसा एक ही क्षण में उसका विभत्स चित्र उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। गुरु ने पुकारा, गौरी। गौरी ने कहा, आई गुरुदेव। मरने की खबर पाकर पारस के मित्र वगैरह सब घर पहुँचे। तब सबने देखा गौरी भी अपने पति की बगल में मरी हुई पड़ी है। उसने जहर खा लिया था और आधुनिक काल में इस आश्चर्यपूर्ण सहमरण के दृष्टांत ने सती के महात्म्य से सबको दंग कर दिया था। तो ये थी आज की कहानी, आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो सुनते रहिए। धन्यवाद।